गया अपना 1 लीटर एग्जैक्ट यहाँ पर। ट्रिप ए हमने जीरो कर लिए, कॉन्स्टेंट 90+ मैं इस बाइक को राइड कर रहा हूँ। ये आपको E20 वेरिएंट आराम से। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब व्यूअर्स इतने टाइम से जिस कंटेंट के लिए डिमांड कर रहे थे फाइनली हमारे चैनल पर आ चुका है। मेरे पीछे खड़ी है ऑल न्यू 2024 पल्सर 125 E20 अपडेट के साथ। अब E20 में बजाज ने सबसे बड़ा अपग्रेड क्या करा, पहले मेरे चैनल पर पल्सर 125 पर इतने सारे माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ जिसमें 35 के ऊपर कभी भी इस बाइक ने माइलेज नहीं दिया, बिकॉज ये आती थी कार्बोरेटर सिस्टम के साथ। बट जब से E20 फेज 2 आया है ना, बजाज ने इसमें सबसे बड़ा अपग्रेड कर दिया है फ्यूल इंजेक्शन। और सब व्यूअर्स को पता है कि यार फ्यूल इंजेक्शन के बाद कहीं ना कहीं इसके माइलेज पे इंपैक्ट पड़ा है, इसका माइलेज ज्यादा इंप्रूव हुआ है। तो मेरे साथ है आज 1 लीटर पेट्रोल और आज इसका प्रॉपर हाई स्पीड माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, बिकॉज 125 सीसी के सेगमेंट में बजाज की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ये बाइक है। इन द ईयर 2024 इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या कुछ माइलेज देने वाली है, 80-90 की स्पीड पे आज राइड करके देखने वाले। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और गाइस यार सिर्फ आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूं तो एंड तक जरूर देखना। Let's get started. Finally चलते हैं ऑल न्यू पल्सर 125 E20 वेरिएंट को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हो E20 वेरिएंट का स्टिकर यहाँ पर निकल चुका है, बट है ये 2024 E20 वेरिएंट, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो फ्यूल निकालने का ऑप्शन दोनों ही जगह आपको नहीं दिख रहा है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। ऑल न्यू 2024 वेरिएंट है, जैन में लिया था और भाई ने 4 महीने में अराउंड, देखो जनवरी फरवरी मार्च और ये अप्रैल का मंथ चल रहा है, डेली अप डाउन के पर्पज से कंसिडर कर रहा है, सिर्फ 4 महीने में गाड़ी चल चुकी है 10,000 किलोमीटर, तो काफ़ी ज़्यादा चला ली है। तो यहाँ पर ट्रिप को भी सेट करेंगे हम फ्यूल खत्म होने के बाद। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारा फ्यूल खत्म हो चुका है। पहले तो मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखो ज्यादा सेल्स देंगे नहीं, एक दो बार और ट्राई करते हैं। एक बार मैं आपको कीज भी बंद करके ऑन करके दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत से लोग कुछ ना कुछ दिमाग में आते रहता है, इसलिए मैं एक बार और ट्राई कर देता हूँ। ये देखो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है, कंप्लीट यहाँ पर टैंक एम्प्टी हो चुका है। अब हमारा एग्जैक्ट 1 लीटर हम इसमें फिल करने वाले हैं। गया अपना 1 लीटर एग्जैक्ट यहाँ पर। जितनी भी 125 सीसी की राइवल बाइक्स है सब पे ही मेरे चैनल पे माइलेज टेस्ट देखने को मिल जाएगा, तो एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स इसका कैसा क्या रिस्पॉन्स है। हालाँकि फिल कर लेते हैं 1 लीटर एग्जैक्ट, कंप्लीट 1 लीटर यहाँ पर फिल कर दिया है। सबसे पहले कर लेते हैं ट्रिप को जीरो, भाई इसको बैग में ही रख लेना। ट्रिप ए हमने जीरो कर लिए, ट्रिप बी को भी यहाँ पर जीरो कर लेते हैं। और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी यहाँ पर जीरो हो चुकी है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी जीरो हो चुकी है। टोटल ओडोमीटर पे किलोमीटर है 10406, 10,406। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब देखो एक बार में स्टार्ट हो जाएगी, ये देखो। सो गाइस 1 किलोमीटर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, अभी तो 80 की स्पीड पे कांस्टेंट चला रहा हूँ, बीच बीच में हम 85-90 भी ले जाएंगे, बिकॉज इस बाइक को अगर आप डेली अप डाउन के पर्पज से कंसीडर कर रहे हो ना, तो 80-90 125 सीसी की बाइक के लिए एक हाई स्पीड ही मानी जाएगी। 5 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए, कॉन्स्टेंट 90 की स्पीड पे अभी मैं राइड कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या रिजल्ट आज ये देने वाली है। नो डाउट यार 90-95 पे भी वाइब्रेशन मुझे कहीं भी फील नहीं हो रहे हैं। पल्सर 125 कौन ऑन करता है कार्बोरेटर एज वेल एज फ्यूल इंजेक्शन के साथ, और आपको कितना माइलेज दे रही है ये मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताना। 10 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए, कांस्टेंट 90+ मैं इस बाइक को राइड कर रहा हूँ। पल्सर 125 की सबसे खास बात मुझे क्या लगती है पता है, जितनी भी बाइक्स चला लो आप, SP 125 चला लो, रेडर चला लो, शाइन चला लो, जितनी भी बाइक्स आती है ना इस सेगमेंट में, आप स्पेशली हाईवेज पे हाई स्पीड पे चलाते हो ना तो थोड़ा इनसिक्योर फील कराती है। बट जब भी मैं पल्सर 125 को राइड करता हूँ ना, 140 kg प्लस वेट है, इतनी स्टेबल चलती है ना बाइक, सच में मज़ा आता है चलाने में। 15 किलोमीटर कम्प्लीट हो चुके हैं गाइज। यार जब भी 1 लीटर माइलेज टेस्ट करते हैं आपको मालूम है यार कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, सिर्फ आप ही के लिए वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज सीन कैसा रहता है पता है, गाड़ी अरेंज करो, फ्यूल एम्प्टी करो, 1 लीटर मेजर करके टैंक एम्प्टी करके इसमें डालो, पूरी 1 लीटर में जितनी चलती चलाओ, देन एडिट करके आपके लिए रिजल्ट्स लेकर आओ। तो सिर्फ यार आपका इतना ही काम है कि यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो कोई मेरी हाई स्पीड माइलेज टेस्ट वीडियोस एंजॉय करते हैं तो कमेंट जरूर करना। कोई मध्य प्रदेश से E20 ओनर्स देख रहे हैं जिन्हें माइलेज टेस्ट मेरे चैनल पर फीचर करवाना है तो यार आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। 20 किलोमीटर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, और ऊपर आप ऑब्जर्व करोगे तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 45 की दिखा रहा है, और अगर इतना दे दे ये गाड़ी तो फिर क्या ही बात है। यही आज हम रिजल्ट देखने वाले हैं, कितना क्या माइलेज देती है। मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि यार अगर 40+ भी दे दिया 85 से 90 की स्पीड पे, तो इस गाड़ी के लिए, इस गाड़ी के कैरेक्टर को देखते हुए, वेट को देखते हुए बहुत अच्छा माइलेज में मानूंगा। बट 40 के एकदम नीचे नहीं आना चाहिए, जो हमेशा मुझे अनएक्सपेक्टेड रहता था वो नहीं आना चाहिए। देखते कार्बोरेटर के बाद
ज़्यादा फ्यूल इंजेक्शन कर दिया है बजाज ने, तो क्या कुछ इंप्रूवमेंट आया है इसके माइलेज में। 25 किलोमीटर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले टाइम में पल्सर 125 में भी एनालॉग भी डिजिटल हटके फुल्ली डिजिटल क्लस्टर आ सकता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। बाकी इसके इंजन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, तो कल हो कि अगर डिजिटल क्लस्टर भी आ जाए ना तो इसके माइलेज में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आज हम जितना माइलेज निकाल रहे हैं कल हो कि अगर डिजिटल वाला मॉडल आ जाता है उसके साथ भी निकालेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर हमने 35 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए, मतलब फॉर श्योर इसका माइलेज जो पुरानी कार्बोरेटर वाली है ना उससे तो बहुत बढ़िया है। अब कितना बढ़िया है वो हमें पता चलने वाला है एक्चुअल रिजल्ट पे। जिस हिसाब से मैंने आज गाड़ी को चलाया है ना, पुरानी पल्सर तो 35 भी मुश्किल से चली थी, गाड़ी कहीं नहीं रुकी, कांस्टेंट चल रही है तब से। क्या बात है गाइस, 40 किलोमीटर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक तो गाड़ी बंद पड़ी नहीं है, चलने दे रहा हूँ मैं कांस्टेंट हाई स्पीड में। जितनी भी चलती है मतलब पुरानी कार्बोरेटर के कंपैरिजन में 5 किलोमीटर ज़्यादा चल गई, जो कि एक अच्छा खासा डिफरेंस है। अभी 2-4 किलोमीटर भी और चल जाती है ना बाइक, तो फिर तो मैं मानूंगा कि हाँ यार, कार्बोरेटर से जब फ्यूल इंजेक्शन कर दिया इस बाइक में तो माइलेज पे बहुत हद तक इंपैक्ट पड़ा है। 42 किलोमीटर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, क्या बात है यार, ये इस बार पल्सर 125 को क्या हो गया है, रुकने का ही नाम नहीं ले रही है। देखते हैं यार कितना माइलेज देती है। हालांकि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ऊपर आप देख लो 46 दिखा रही है, तो उसके आसपास भी अगर दे देगी ना, ये देखो झटके तो लेने लग गई है। अब मैं स्पीड स्लो करूंगा तो बनना पड़ जाए। लेट्स सी, अभी मैं कैमरे को ऑन ही रखता हूँ। सो गाइस फाइनली यहाँ पर अगर बाइक बंद हो चुकी है, सारा फ्यूल हमने एम्प्टी कर दिया, जितनी चल सकती थी 1 लीटर में एक्सट्रीम माइलेज टेस्ट करा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ स्टार्ट हो रही है कि नहीं, ये देखो इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन, देखो ज़्यादा सेल्फ देंगे नहीं। पहले तो मैं आपको माइलेज दिखा देता हूँ, यहाँ पर 42.7 का माइलेज गाड़ी ने दिया है। मेरे ख्याल से 36 किलोमीटर के अराउंड झटके इसने ले लिए थे, बट फिर वो कांस्टेंट चली तो इंजेक्टर में जितना था अराउंड 42.7 का माइलेज दिया है। SP 125 का भी अगर आप हाई स्पीड देखोगे तो 40 से 42 तक का माइलेज है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पल्सर 125 को इकोनॉमी स्पीड पर चलाते हो ना गाइस, तो ये आपको E20 वेरियंट आराम से 50 से 55 तक का माइलेज देने वाला है। साथ ही में 10,449 यहाँ पर हो चुका है, कितने पे स्टार्ट करा था आपको मालूम ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1049 हो चुका है। तो 42.7 का माइलेज काफी बढ़िया है। कैसी लगी ये वीडियो एक बार कमेंट में जरूर बताना। और गाइस देखो, इसका अगर आने वाले टाइम पे डिजिटल क्लस्टर वाला भी वेरिएंट आ जाए ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इंजन सेम रहने वाला है, ये मीटर चेंज हो जाएगा बस, और थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस और होने वाले हैं। तो गाइस वीडियो यहां तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।